सामने हो मंजिल तो रास्ता न मोड़ना, जो मन में हो वो ख्वाब न तोड़ना, हर कदम पे मिलेगी कामयाबी तुम्हें, बस सितारे छूने के लिए कभी जमीन न छोड़ना। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो शुरू करेंगे। मैं शिल्पा सरोज, कैरे इन एक्शन पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फिर, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे विटामिंस की, विटामिंस के बारे में देखेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो चीज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला हम बात करेंगे विटामिंस क्या होता है। कि विटामिंस और मिनरल्स जो है बॉडी के फंक्शन में और बॉडी के ग्रोथ में, बॉडी के मेंटेनेंस में बहुत ही ज्यादा इसेंशियल है। इसके बिना शायद बॉडी काम नहीं कर पाएगी या ग्रो नहीं कर पाएगी। ओके, तो उससे रिलेटेड जितने भी डिजीज हो जाते हैं वो सब हम देखेंगे। विटामिंस के डेफिशिएंसी से कितने सारे डिजीज होते हैं वो सारी चीज देखेंगे हम। चलिए फिर शुरू करते हैं, विटामिंस क्या होता है। सो इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ओके, ये याद रखिएगा, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है अगर हम बात करें विटामिंस और मिनरल्स की। सो डिराइव फ्रॉम टू वर्ड्स, विटामिंस की बात करें तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज वाइटा एंड एमीन। इसका मतलब होता है लाइफ एंड नाइट्रोजन। ओके, याद रखिएगा। टाइप्स ऑफ विटामिंस देखेंगे अब हम। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी विटामिंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अगर हम सॉल्युबिलिटी के बेस पे देखें तो विटामिंस जो है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दो पार्ट्स कौन से हैं? एक है वाटर सॉल्युबल और एक है फैट सॉल्युबल। ठीक है, वाटर सॉल्युबल विटामिंस मतलब कि जो वाटर में घुलनशील हो, और फैट सॉल्युबल मतलब जो फैट में घुलनशील हो, ऐसे विटामिंस। ओके, तो वाटर सॉल्युबल की अगर हम बात करें तो विटामिन बी एंड विटामिन सी आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन होगा। ओके, तो एग्जाम में कैसे पूछता है क्वेश्चन? एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही हर बार क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा विटामिन सी, तो ऐसा लगता है कि इनका फेवरेट क्वेश्चन है। तो विटामिन सी से क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं, और उसके जब हम विटामिन सी की बात करेंगे तो वहां पे हम कवर करेंगे कि क्या होता है इसमें और क्या क्या चीजें पढ़नी है आपको। तो वाटर सॉल्युबल में याद रखिएगा विटामिन बी एंड विटामिन सी है। ओके, अगर हम फैट सॉल्युबल की बात करें तो फैट सॉल्युबल में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के आएगा। तो याद रखिएगा क्या है इसका, ए डी ई के। ओके, ये कोड है ए डी ई के, ए डी ई के। तो फैट सॉल्युबल मतलब फैट में जो घुलनशील है ऐसे विटामिन, तो ए डी ई के याद रखिएगा ये कोड। ये एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन है। मान लीजिए आपको ऑप्शन में दे दिया ए डी ई के बी सी, तो आपको पता है कि बी सी जो है वो तो वाटर सॉल्युबल है, वो तो हो ही नहीं सकता फैट सॉल्युबल। तो बचा क्या, ए डी ई के बचा, तो यही है फैट सॉल्युबल, याद रखिएगा। ओके, अब क्या है कि वाटर सॉल्युबल में अगर विटामिन बी और विटामिन सी है तो हम एक एक करके विटामिन देख लेते हैं। तो अगर हम वाटर सॉल्युबल विटामिंस की बात करें तो उसमें हम देखेंगे एक तरफ विटामिंस लिखा है, एक तरफ उसका साइंटिफिक नेम लिखे हैं। ओके, सो विटामिन में हम देखेंगे B1 का साइंटिफिक नेम थाइमीन है, एंड B2 का रिबोफ्लेविन है, B3 का नियासिन है, एंड B5 का पैंटोथेनिक एसिड है, B6 का पायरीडॉक्सिन है, एंड B7 का बायोटीन है, B9 का फोलेट है, एंड B12 का कोबाल एमिन है। ओके, B12 इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, B12 क्वेश्चन हमेशा पूछता है, तो याद रखिएगा कोबाल एमाइन। ओके, और विटामिन सी की बात करेंगे तो एस्कॉर्बिक एसिड, जैसे कि मैं आगे बताई हूँ। ओके, अब हम देख लेंगे कि फैट सॉल्युबल विटामिन, ये हो गया आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन। अब हम देखेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं। ओके, तो फैट सॉल्युबल विटामिन के नाम देखेंगे और उनके साइंटिफिक नेम देखेंगे। तो विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम रेटिनॉल है, और विटामिन सी की अगर बात करें तो विटामिन सी जो है वो फैट सॉल्युबल नहीं है, वो वाटर सॉल्युबल है, लेकिन इसमें आ गया है। विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी जो है उसका साइंटिफिक नेम है कॉलीकैल्सिफेरॉल। ओके, और विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई का साइंटिफिक नेम टोकोफेरॉल है। ओके, विटामिन के की बात करें तो फाइलोक्विनोन। ओके, ये साइंटिफिक नेम है इनके। तो फैट सॉल्युबल विटामिन में याद रखिएगा ए डी ई के होता है। ओके, यहाँ पे सी लिखा हुआ है तो उसको आप इग्नोर कर दिएगा, क्योंकि विटामिन सी जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन में आएगा। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहला हम विटामिन बी देखेंगे, तो विटामिन बी में हम देखेंगे विटामिन B1। ओके, इसको क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज थाइमीन, थाइमीन बोलते हैं, जिसका केमिकल नेम इसका क्या है, थाइमीन। ओके, अगर हम रिसोर्स की बात करें तो किसमें विटामिन B1 जो है पाया जाता है, सोर्स क्या है उसका, मिल्क है। मिल्क में आपको विटामिन B1 मिलेगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मिलेगा। ओके, अगर हम बात करें कि 1912 में, 1912 में जो विटामिन B1 है इसको किसने डिस्कवर किया, तो याद रखिएगा कैसनी फंग जो है इन्होंने डिस्कवर किया है विटामिन B1 को। ओके, तो अब हम बात करेंगे कब, 1912 में, 1912 में इन्होंने डिस्कवर किया कैसनी फंग ने, याद रखिएगा इसको। काफी ज्यादा क्वेश्चन में ऐसे डिस्कवर्ड भी पूछ लेता है कि विटामिन्स को डिस्कवर किसने किया है। तो अगर हम बात करें विटामिन B1 की, तो अगर इसकी कमी हो जाती है, यानी डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में, तो कौन सी बीमारी आपको हो जाएगी, तो याद रखिएगा बेरी बेरी। ओके,
कुछ इस तरीके से दिखेगा बैरी बैरी आपको, तो ये हो जाता है, देख रहे हैं बॉडी में बहुत सारे रेड रेड स्पॉट टाइप के हो गए हैं, और ये देखिए कैसा मतलब बुरी स्थिति हो गई उसकी, तो इस तरीके से हो जाता है बेरी बेरी अगर आप विटामिन B1 की कमी हो जाती है। एक एग्जांपल देती हूँ आपको, कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा माना गया है कि जो रिच रिच पीपल्स होते हैं उनमें ऐसा बेरी बेरी देखने के सिम्टम ज्यादा होते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें राइस की तो राइस को क्या करते हैं हम, जो पुअर फैमिलीज होती है उसको कम धोते हैं, लेकिन जो रिच फैमिली होते हैं काफी ज्यादा उसको धोते हैं, जिसमें से जो विटामिन B1 से रिलेटेड जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे धुल जाते हैं, उसी चले जाते हैं, जिसके वजह से बेरी बेरी होने की संभावना ज्यादा है। तो क्या होता है कि वहां पे विटामिन B1 जो पुअर फैमिलीज हैं उन्होंने चावल को जो कम धोया है, तो उसमें क्या हुआ कि जो विटामिन B1 है उसमें रह गया है प्रचुर मात्रा में, लेकिन जब आप ज्यादा उसको वॉश कर दोगे राइस को, तो उससे क्या होगा, बेरी बेरी होने की संभावना है आपको। ओके, तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, विटामिन B2। ओके, B1 देखा हमने, B2 देखेंगे, फिर B3 देखेंगे। ओके, B2 देखेंगे, उसके बाद B3 देखेंगे, फिर हम विटामिन सी की तरफ आएंगे। ओके, सो विटामिन B2 की बात करें तो विटामिन B2 जो है उसको केमिकली क्या बोलते हैं, रिबोफ्लेविन, ये नाम याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे थाइमिन, याद रखिएगा विटामिन B1 को थाइमिन बोलते हैं, विटामिन B2 को रिबोफ्लेविन बोलते हैं, ये याद रखिए, क्वेश्चन में काफी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए जहां पे मैंने बता रही हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यहीं से आएंगे। ओके, देखिए रिसोर्सेज देखें तो रिसोर्सेज किस, विटामिन B2 का रिसोर्स क्या होगा, किसमें किसमें आपको मिलेगा, ये मीट में, मिल्क में, एग में, बीन्स में। ओके, इतने सारे इसके रिसोर्स हैं विटामिन B2 के। ओके, ये सब में देखने को मिलेंगे प्रचुर मात्रा में। ओके, अगर हम बात करें विटामिन B2 की, तो लिटिल येलोइश कलर देखा होगा आपने मिल्क में जो फॉर्म होता है, जब आप दूध को गर्म करते हैं तो वहां पे आप देखेंगे एक येलो कलर की एक फॉर्मेशन होता है, तो वो किसके वजह से होता है, वो इसी की वजह से होता है, रिबोफ्लेविन की वजह से। ओके, सो इसकी मात्रा अगर कमी हो जाती है, अगर इसकी कमी होती है तो क्या होगा, क्रैकिंग ऑफ लिप्स कॉर्नर, जो लिप्स के कॉर्नर देखते हैं आप वो क्रैक्स पड़ने लगते हैं वहां पे, देखेंगे कुछ लोगों के यहाँ पे फट जाते हैं दोनों साइड में, गंदा लगता है वो एक डिजीज होता है जिसको बोलते हैं केलोसिस बोलते हैं उसको। ओके, याद रखिएगा केलोसिस। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। वाटर सोल्युबल विटामिन हम देख रहे थे, तो विटामिन सी की बात करें तो साइंटिफिक नेम क्या है इसका, याद रखिएगा साइंटिफिक जो नेम है उसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ये क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विटामिन सी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं, तो हम उसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे विटामिन सी। ओके, तो मैक्सिमम क्वांटिटी बोले हैं तो किसमें पाया जाता है विटामिन सी, तो आमला ऑफिस सिम्बलिस, ये इसका साइंटिफिक नेम है, आमला में पाया जाता है, आमला ऑफिस सिम्बलिस बोलते हैं। ओके, तो याद रखिएगा आमला में रिचेस्ट सोर्स है विटामिन सी का। और नेक्स्ट हम देखेंगे ऑल्सो नोन एज एंशियंट विटामिन, तो याद रखिएगा क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकता है कि कौन सा विटामिन को एंशियंट विटामिन बोलते हैं, तो वहां पर कंफ्यूज मत हो जाइएगा, विटामिन सी को बोलते हैं। ओके, राइट, नेक्स्ट इज अनराइप इटन, इसको अनराइप ही खा सकते हैं, यानी कि इसको छीलने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी खा सकते हो अनराइप बिना छीले ही। नेक्स्ट हम देखेंगे एंटीवायरल प्रॉपर्टीज और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इसमें होते हैं। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऑन हीटिंग विटामिन सी गेट डिस्ट्रॉयड, अगर हम इसको हीट करते हैं तो विटामिन सी जो है वो डिस्ट्रॉयड हो सकता है, तो उसमें फिर विटामिन सी रहेगा ही नहीं, तो खाने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, फाइबर्स, फाइबर्स आर फॉर्म ड्यू टू विटामिन सी, फाइबर्स जो है विटामिन सी के द्वारा ही फॉर्म होता है बॉडी में। ओके, नेक्स्ट क्या देखेंगे कि अगर इसका डेफिशिएंसी हो गया, अगर इस विटामिन का डेफिशिएंसी हो गया तो हमें स्कर्वी हो सकता है और ब्लीडिंग गम डिजीज, आप गम्स देखेंगे वहां पे किसी को वहां पे गम्स में खून आने लगता है, तो वही है ब्लीडिंग गम डिजीज, स्कर्वी बोलते हैं, और यहाँ पे पायरिया भी हो जाता है इसके वजह से, है ना, देखेंगे कीट यहाँ पे बैठ जाते हैं दांत में या इस टाइप से, तो ये एक बीमारी है विटामिन सी की कमी से होता है। ओके, अगर हम फॉर्मेशन ऑफ RBC देखें, RBC यानी रेड ब्लड सेल, जो हमारे RBC है यानी ब्लड जो है, तो वो उसका फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, यही विटामिन सी के द्वारा ही होता है। ओके, आगे क्या देखेंगे, देखिए कैप्सिन प्रोटीन है, ओके विटामिन सी में आएगा, कैप्सिन प्रोटीन जो है वो कहाँ किसमें फाउंड होता है, तो याद रखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैप्सिन पूछता है एग्जाम में, कैप्सिन प्रोटीन जो है तो वो ग्रीन चिली में पाया जाता है। अब यहाँ चिली की बात हुई है, तो अगर आप ध्यान दीजिए तो चिली में एक अजीब सा पंजेंट स्मेल आता है, तो वो किसके वजह से होता है, वो सल्फर की वजह से होता है। ओके, सल्फर उसमें प्रेजेंट होता है, इसके वजह से वो आंख में आपको काफी लगता है और जो पंजेंट स्मेल आती है वो आती है। सो इट रेगुलेट एज थर्मल रेगुलेटर, अगर विटामिन सी की बात करें, एंड इट इंक्रीजेस बॉडी टेम्परेचर एंड देन स्वेटिंग स्टार्टेड, तो बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज कर देता है, तो फिर हमारे बॉडी में स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है विटामिन सी। ओके, इसको इम्यून एनहेंसर विटामिन भी कहते हैं,
जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को इन्हेंस करता है, इसलिए इसको इम्यून इन्हेंसर विटामिन भी कहते हैं। याद रखिएगा, मिल्क में नहीं पाया जाता है विटामिन सी। ओके, विटामिन सी मिल्क में नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, आगे हम देखेंगे वो फैट सोलबल विटामिन किसे कहते हैं, उसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे फैट सोलबल विटामिन कौन से होते हैं। फैट सोलबल विटामिन में हम देखेंगे विटामिन ए, डी, ई एंड के। ओके, सो विटामिन ए से स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है विटामिन। विटामिन ए की बात करें तो इट इज केमिकली नोन एज रेटिनॉल। ये नाम जो है ना, केमिकली नेम जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको याद करने की जरूरत है, क्योंकि एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ओके, सो केमिकली इसको रेटिनॉल कहा जाता है। अगर हम रिसोर्स की बात करें तो कौन से सोर्स आएंगे इसमें, तो मिल्क में पाया जाता है विटामिन ए बहुत ज्यादा मात्रा में, स्वीट पोटैटो जिसको आप शकरकंद कहते हैं हिंदी में, एवोकाडो, ओके, पीच, पपाया, फिश, ये सब में विटामिन ए पाया जाता है। ओके, बहुत ही ज्यादा मात्रा में। अगर हम बात करें कि रिचेस्ट सोर्स क्या है, यानी वेरी हाई अमाउंट ऑफ विटामिन ए इज फाउंड इन कैरेट। ओके, तो एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है कि रिचेस्ट सोर्स अगर पूछे, काफी सारा ऑप्शन दिया हो, आपको पूछे कि सिर्फ रिचेस्ट सोर्स बताइए, तो आप आंख मूंद के कैरेट लगाएंगे। ओके, कैरेट हो गया। नेक्स्ट इज कैप्सिकम, शिमला मिर्च को कैप्सिकम बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज ऑल फ्रूट्स दैट आर येलो इज कॉल्ड विटामिन ए। जो भी फ्रूट्स येलो कलर के होंगे वो विटामिन ए कहलाएंगे। ओके, जैसे कि मस्क मेलन, यानी कि खरबूज जिसको बोलते हैं, और मैंगो, ये सब येलो कलर में होते हैं। तो जितने भी येलो कलर के फ्रूट्स होंगे उसको विटामिन ए की मात्रा उसमें पाई जाती है ज्यादा। ओके, नेक्स्ट इज इट हैव एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। अगर हम विटामिन ए की बात करें तो इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होते हैं, पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए सो कौन से डिजीज हो सकती है, तो बहुत सारे डिजीज है, यार सब देख लीजिए। पहला है नाइट ब्लाइंडनेस, ओके, रतौंधी जिसको बोलते हैं हिंदी में, निक्टोलोपिया। ओके, नाइट ब्लाइंडनेस, निक्टोलोपिया, याद रखिएगा। ये ऐसे पूछता है एग्जाम में कि नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से हो जाता है, तो आप बताएंगे विटामिन ए। ओके, नेक्स्ट इज जेरोप्थैल्मिया, ये हो गया नाइट ब्लाइंडनेस, जेरोप्थैल्मिया एंड हार्डनिंग ऑफ स्किन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ओके, स्किन जो है आपकी टाइट हो जाएगी, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब प्रॉब्लम्स इन ब्रीदिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगेगी। नेक्स्ट इज कलर ब्लाइंडनेस, तो कलर ब्लाइंडनेस जो है इसमें क्या होता है कि देखिए, हमारे आंखों में दो सेल्स होती हैं, एक कॉन शेप और एक रॉड शेप। ओके, कॉन शेप की बात करें तो इसमें क्या होता है, वो कलर इमेजेस दिखाई देते हैं, और अगर हम रॉड शेप की बात करें, रॉड सेल, तो उसमें क्या होता है, जो ब्लैक व्हाइट इमेजेस होते हैं वो चीज हमें दिखाई देती है। तो इसमें क्या हो जाता है, कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, रेड और ग्रीन कलर में प्रॉब्लम होने लगती है देखने में। आप रेड और ग्रीन कलर को पहचान ही नहीं पाओगे, उसमें कोई और कलर दिखेगा आपको, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पे। सो ये हो गया विटामिन ए का। अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे विटामिन डी की तरफ। सो विटामिन डी की अगर बात करें तो इट इज केमिकली नोन एज इर्गो कैल्सीफेरॉल। ओके, केमिकली इसको क्या कहा जाता है, इर्गो कैल्सीफेरॉल। ओके, अगर आप रिसोर्स की बात करें तो रिचेस्ट सोर्स इसमें तो मिल्क, एग, मीट, कॉड फिश ऑयल एंड फ्रूट्स, इसमें विटामिन डी की मात्रा पाई जाती है ज्यादा। सबसे ज्यादा तो सनलाइट है सोर्स, जैसे आप जानते हैं कि विटामिन डी सनलाइट से बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। तो हम देखेंगे सनलाइट जो है, मान लीजिए ये स्किन है, एक स्किन है इंसान का। ओके, सो सनलाइट यहाँ पे पड़ता है, तो यहाँ पे जब सनलाइट स्किन पे पड़ेगा तो यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी कैल्सीफेरॉल यहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये क्या करता है, यही जो है चेंज कर देता है, इट कन्वर्टेड इनटू विटामिन डी। तो हमारे बॉडी में ये जो पदार्थ है ये कन्वर्ट कर देता है विटामिन डी में। ओके, और हमको विटामिन डी की मात्रा मिल जाती है, हमारे स्किन में जब वो जाएगा तो हमें विटामिन डी की मात्रा जो है मिल जाएगी, हमारे शरीर में विटामिन डी की मात्रा रहेगी। ओके, अगर हमें ये ना मिले ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ दिस विटामिन डी, वी गेट सफर फ्रॉम रिकेट्स। ओके, रिकेट्स हो सकता है, जिसको विटामिन डी की कमी होगी उसमें रिकेट्स हो जाएंगे। तो रिकेट्स अगर आप देखना चाहें तो इस तरीके से कुछ दिखेगा, रिकेट्स। ओके, बहुत ही दिक्कत हो जाती है, बॉडीज देखिए कैसे हो जाती हैं। अगर ओल्डर पीपल की बात करें तो ओल्डर पीपल में इसको बोलते हैं ऑस्टियोमलेसिया। ओके, जो कि मेल में होता है। अगर आप फीमेल की बात करें तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ओके, फीमेल में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, इस तरीके से कुछ दिखेगा ऑस्टियोपोरोसिस, और ऑस्टियोमलेसिया कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, विटामिन ई। विटामिन ई की बात करेंगे तो विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। ओके, तो जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स में विटामिन ई की मात्रा ज्यादा होती है। ओके, जो कि ग्लोइंगनेस और ये लाता है चेहरे पे। नेक्स्ट क्या देखेंगे हम कि इसको साइंटिफिकली क्या बोलते हैं। साइंटिफिकली इट इज नोन एज टोकोफेरॉल। याद रखिएगा, टोकोफेरॉल कहते हैं विटामिन ई को। ओके, रिसोर्स देखेंगे कि रिसोर्स अगर देखें कि सोर्स सबसे ज्यादा किसमें होता है विटामिन ई का, तो आमंड में, वीट ऑयल में, ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोया ऑयल, फिश ऑयल, जितने भी ऑयल्स है ना उसमें विटामिन ई की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ओके,
तो देखा होगा आपने कि आलमंड का जो ऑयल आता है उसमें विटामिन ई लिखा रहता है, उसमें इसकी मात्रा ज्यादा होती है. ओके, सो नेक्स्ट इज, इट इज रिलेटेड टू, अगर विटामिन ई की बात करें तो इट इज रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है विटामिन ई. ओके, अगर हम बात करें कि डेफिशिएंसी अगर हो जाए, अगर बॉडी में विटामिन ई की कमी हो जाए तो क्या हो सकता है, स्टेराइल. स्टेराइल सुना होगा आपने, जिसको बोलते हैं इम्पॉर्टेंट, मतलब जो रिप्रोड्यूस ना कर सके. ओके, इसको बोलते हैं स्टेराइल. और ऐसी कंडीशन अकर हो सकती है. तो स्टेराइल की बात करें, स्टेराइल जो कंडीशन ऐसी अकर हो जाती है अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में तो. ओके, इसीलिए इसको एंटी स्टेराइलिटी विटामिन भी कहते हैं, एंटी स्टेराइलिटी विटामिन. ओके, यानी कि एंटी अगर किसी हाथ लग जाए तो इसका अपोजिट मतलब निकलता है. अगर इसकी मात्रा पशु में रहे तो उसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहेंगे. अगर ये विटामिन ई की कमी हो जाए तो इसको बोलेंगे स्टेरिलिटी. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे विटामिन के. विटामिन के की बात करें तो साइंटिफिकली इसको फाइलोक्विनाइन कहते हैं. ओके, याद रखेंगे विटामिन की को, के को क्या कहते हैं, फाइलोक्विनाइन. ओके, अगर हम इसकी बात करें तो इसको एंटी हेमरेजिक विटामिन भी कहते हैं, एंटी हेमरेजिक विटामिन. ओके, रिसोर्स की बात करें तो किसमें बहुत ज्यादा मात्रा में होगा, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा विटामिन के देखने को मिलता है. देखिए, कैबेज, ब्रोकली, ग्रीन कॉलीफ्लावर, मिल्क, लीवर, पॉर्क. ओके, ये सारे रिसोर्स हैं जो कि विटामिन के हैं और उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन के देखा जाता है. अगर आप बात करें कि विटामिन के का, विटामिन के हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग. तो देखिए, जैसे मान लीजिए आप कहीं चोट लग जाती है आपको, तो ब्लड जो है आपका, लहू जो है वो निकलने लगता है. ओके, तो अगर आप उसको दबाए रहोगे, वहां पर दबाए हो अगर आप, तो क्या होगा, ब्लड वहां पर क्लॉट हो जाएगा, ब्लड वहां पर रुक जाएगा. ओके, तो अगर आपके अंदर विटामिन के की कमी है तो थक्का ही नहीं बनेगा आपका, ब्लड जो क्लॉट हो जाती है वो नहीं होगा. तो अब जो ब्लड है वो कंटिन्यू बहते ही रहेगा, चाहे कितना भी आप उसको दबा के रखो. तो ये चीज है. तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया, मतलब तो पूछिए ही मत. मतलब कि विटामिन सी और विटामिन के तो ऐसा लगता है कि पेपर का फेवरेट क्वेश्चन हो गया है. ओके, सो विटामिन के से बहुत क्वेश्चन आते हैं. हर बार यही पूछता है कि विच विटामिन हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, तो आप लगाएंगे विटामिन के. ओके, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा, आपका जो ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है ये प्रोसेस इसमें डीले हो जाएगा, ब्लड क्लॉट होगा ही नहीं, तो जिसकी वजह से आपका जो ब्लड है वो कंटिन्यूस फ्लो करते रहेगा. ओके, कहीं भी अगर आपको चोट लगती है तो. ओके, ये हो गया. सो, यहाँ पे वीडियो स्टूडेंट्स खत्म होता है आज का. तो हमने विटामिन देखा और इस तरीके से हम लोग इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, हम आप तक जरूर पहुंचेंगे. तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.